अनूपपुर जिले के कोदमा तहसील में आए दिन कुछ न कुछ नए कारनामे होते रहते हैं, जिसमें एक नया मामला सामने आया है जहां पर दैनिक वेतन भोगी बाबू गजेंद्र शुक्ला ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की है। ये घटना पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार नकल मांगने पर की जा रही थी, जहां पर हीला हवाली और आज उसी संदर्भ में अभद्रता करते हुए कॉलर पकड़कर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान बाबू गजेंद्र शुक्ला के भाई संदीप शुक्ला ने पीछे से पकड़कर मारपीट में गजेंद्र शुक्ला का बना सहयोगी और संदीप शुक्ला कोतमा तहसील में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। तहसीलदार ने उचित कार्यवाही का दिया है आश्वासन, जहां पर वकील संघ के अध्यक्ष ने मारपीट करने वाले बाबू के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग करते हुए दोषी अधिवक्ता के विरुद्ध बार काउंसिल में भी कार्यवाही करने का दिया है आश्वासन। गरीब सीधा साधा लड़का है ये, बटन टूटा भी, देखिए बटन जरा दिख रहा सामने, भैया थोड़ा सा, भैया थोड़ी जगह देना, हां मैं अदालत आ गया, शांत रहिए, नकल के लिए गया तो मैं दो हफ्ते से लगातार वो गले में चोट देख रहा है, देखिए वो नकल दे दो मेरा वाला अर्जेंट था, आइए आगे बोला कि कल शाम को बोला, ऐसे ही बोला मेरा कल सुबह लेना, तो ऐसे ही मतलब ठीक बन गया होगा सुबह जब गया अभी 12-1 बजे टाइम रहा होगा सर, तो बोला कि दे दो बन गया भैया नकल यार, तो गुस्से में बोला भैया सर, गुस्से में बोल के नहीं दूंगा क्या कर लोगे ऐसा बोल, नहीं दूंगे कि जो जो घटना को खड़ो मेरे भाई से, अरे जैसे गाली दे के बोलो इसे बताओ ना, गाली करने लगा सर, गाली गलौज करने लगा, मेरा कॉलर पकड़ लिया है, टूट बटन टूट गया है पूरा सर, पकड़ लिया और पीछे से फोन कर दिया भाई संदीप उनके भाई साहब हैं, वो पीछे से मेरे को पकड़ लिया और मारने लगा सर जी, फिर बचा के फिर वहाँ से भाग रहा सर। सर इनको इसको आप कैसे भी करके सस्पेंड करिए, मैं नहीं जानता, यहाँ से भगाइए सर, यहाँ से इसको हटाइए। अभी एक मामला आया है जिसमें एक अधिवक्ता के साथ में मारपीट की गई है न्यायालय परिसर के अंदर, तहसीलदार भी आए हैं, उन्हें आश्वासन दिया है उनके कहने के मुताबिक कि कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा? देखिए अधिवक्ता न्यायालय का एक अधिकारी होता है जी, जिस तरह तहसीलदार और जजेज अधिकारी हैं उसी तरह एक अधिवक्ता भी अधिकारी है, और एक दो कौड़ी का लिपिक जो स्थायी भी नहीं है अस्थायी कर्मचारी है वो एक अधिवक्ता के की कॉलर पकड़ता है, उसके साथ मारपीट करता है, और ये बात यदि अधिकारी बर्दाश्त करता है तो वो बर्दाश्त करे, हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे, और हम यदि इसे तत्काल यहाँ से इस कोतमा से नहीं हटाया गया तो हम आमरण अनशन करेंगे, और फिर वो सब करेंगे जो इनके साथ हुआ है वो सब हम इनके साथ भी करेंगे। जी पीड़ित अधिवक्ता ने अभी कहा है कि एक वकील ही कोई हैं जो पीछे से पकड़ लिए थे मारपीट के दौरान, ये एक उन्हीं का भाई एक संदीप शुक्ला करके, अभी हम अधिवक्ता संघ के माध्यम से उनके विरुद्ध भी संघ की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई हम उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव करके कर रहे हैं, और इसके बाद तत्काल स्टेट बार काउंसिल से भी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का एक प्रस्ताव यहां से भेजेंगे। अच्छा आप यहां पे अधिवक्ता जी, अभी एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें आपके साथ में मारपीट होने का मामला आया है, पूरा मामला नकल के समय हुआ सर, नकल मैं महीने से लगा था, नकल था मेरा, मैं एक दो हफ्ते से लगातार जो अर्जेंट वाला मामला था नकल के लिए, तो लगातार बोल रहा था सुबह शाम, सुबह आता था कि कोर्ट आने के पहले आता था भाई नकल बने यार, बोले कि नहीं बनाना कल ले लेना, एक लगातार दो हफ्ते से जा रहा हूँ नकल के लिए, ऐसे ही ऐसे करके आज सुबह गया हूँ 1 बजे रहा हूँ, तो बोला कि मैं ऐसे ही बोला कि सर नकल बन गया है दे दीजिए, बन गया होगा तो बोले कि नहीं दूंगा नकल, क्या कर लोगे तुम मेरा, कौन नहीं सर बोल रहा है, गजेंद्र शुक्ला, गजेंद्र शुक्ला क्या है यहाँ पर, नकल शाखा कर्मचारी है दैनिक भोगी, जी दैनिक भोगी सर जी, तो वही बोला मतलब बिल्कुल गुस्सा आ गया भाई, नकल में मांगने आया हूँ, नकल के ऊपर से क्यों गुस्सा हो रहे हो, तो बस हो गया यही जो है नहीं दूंगा क्या कर लोगे, और मैं भी थोड़ी सी ऐसे ही, फिर वो जो है कल कॉलर पकड़ लिया सर, मेरा कॉलर पकड़ लिया, बटन भी टूटा हुआ है, मैं देख लीजिए जान बचा के भागा, और चोट का निशान दिखाई दे रहा है ये, जी जी पकड़ा मारा है, पकड़ा है मारा भी है, और अच्छा वो और पीछे से जो है फ़ोन किया भाई साहब को उनके गजेंद्र को, क्या नाम संदीप शुक्ला जी, पीछे से पकड़ लिया मेरे को संदीप शुक्ला कौन, जी उनके भाई साहब हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, जी जी तो
वही फिर जो है वो पीछे से पकड़ लिया और ये उठा के कुर्सी को मेरे ऊपर फेंक दिया गजेंद्र शुक्ला। अच्छा जी, तो वहाँ से पकड़ा मेरे वैसे कार पकड़ लिया था गजेंद्र शुक्ला के से। मैं जैसे जैसे जो है अपने वहाँ से जान बचा के यहाँ बताया हूँ अपने जी। सभी क्या आश्वासन दिया गया? अब तो सर बोले हैं कि उनको यहाँ से हटाने के लिए सर आश्वासन दिया। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? अभी न्यायालय परिसर में एक घटना हुई जिसमें एक अधिवक्ता के साथ में मारपीट हुई है, किस प्रकार का मामला है सर? मैं तो मीटिंग में था, अभी तत्काल आया ही हूँ जैसे सूचना मिली। अधिवक्ता लड़के संघ द्वारा मेरे को सूचित किया गया है कि खंड लेखन द्वारा मारपीट की गई है जी। अधिवक्ता है दशरथ पियगढ़ से, उसी के संबंध संज्ञान ले ही रहा हूँ। मारपीट कौन किया सर? अरे बता तो रहे हैं गजेंद्र ने किया है, गजेंद्र शुक्ला, उसी का संज्ञान ले रहा हूँ। और संदीप, संदीप दोनों प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल होगी। अभी स्पष्ट है कि मारपीट हुई है? उसी चीज का तो संज्ञान, सब बात कर रहे हैं, दिख रहा है चोट है, दिख रहा है उसी चीज का संज्ञान, पूरी बात चीज कर रहे हैं। शरीर में चोट है, चोट है सर, चोट है। अगर ये प्रूफ होता है सर मारपीट, हाँ बिल्कुल कार्रवाई क्यों ना होगी, अगर बिल्कुल कार्रवाई हो होना ही चाहिए। प्रूफ है। क्या न्यूज के लिए कोतमा से आरसी मिश्रा की रिपोर्ट।